अभी इन बच्चों ने फूल लाए हैं, हार लाए हैं यहाँ पे, तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितना अच्छा? बहुत बहुत। और ये देखो ताजा फूल है। यहाँ मंत्री जी के आदमी आए हैं। तो जय हिंद यूट्यूब फैमिली, बैक इट अगेन एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो फिलहाल मैं मंदिर में आ गए हूँ और ये देखो कितनी मस्त सफाई कर रहे हैं ये सभी लोग। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे दोपहर में पारायण शुरू होने वाला है, तो सभी काम मतलब लगभग सभी काम ये बच्चे ही करते हैं। देखो कुछ इसी तरह से, मतलब जब से पारायण शुरू हुआ तब से यही कर रहे हैं भाई, एकदम बढ़िया शुरू है इनका। तो गाइस ये दर्शन है और ये भाई एकदम बढ़िया काम करता है, हम में से सबसे छोटा बच्चा है और ये एकदम बहुत ज़्यादा काम का है। वैसे तो सभी काम के हैं बट ये सबसे छोटा और इसको बताने की ज़रूरत नहीं कब आना है कब क्या करना है, तो ये खुद से एकदम सभी काम करता है। वैसे तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया ही है। हमने तो गाइस अभी इन्होंने तो सफाई मस्त कर दी है, तो चलो मंदिर का टूर देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये देखो ये सबसे बाहर का एरिया है एंट्री गेट वाला, और यहीं पे है चप्पल स्टैंड चप्पल रखने के लिए। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको। तो ये देखो मंडप डाला हुआ है फिलहाल यहाँ पे खाली जगह में, और ये कुछ इस तरह का एरिया है पूरा। देखो गाइस घोड़ी उठाने की निंजा टेक्निक, घोड़ी बोले तो गाइस इस सीढ़ी को हमारी तरफ घोड़ी बोलते हैं। और ये जो घर जैसी रचना का बनाया हुआ है इसे मड़ी कहते हैं। और गाइस ये बहुत पुरानी है, और ये हमारा जो मंदिर है ये नया बांधा हुआ है, मतलब पहले पुराना था अब नया किया है। तो चलिए इस मड़ी के अंदर का दिखाते है, कुछ इस तरह का दिखता है भाई, एकदम बढ़िया है यहाँ पे। मतलब ठंडी के समय ठंडी नहीं, गर्मी के समय गर्मी नहीं, मतलब एकदम नॉर्मली एकदम बढ़िया टेम्परेचर रहता है यहाँ का। सो गाइस अभी इन बच्चों ने फूल लाए हैं, हार लाए हैं यहाँ पे, तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। देखो इन्होंने फूल लाए हैं यहाँ पे, हार है, चक्कर है, देवाला साक्षी। तकरीबन 5 बजे हम अपनी वानर सेना लेके निकलते हैं लकड़ियां लाने के लिए नदी के रास्ते से, और गोलू बहू भी साथ में हमारे। अरे चलो इकड़े ना, और ये रास्ता भी बड़ा संघर्षमय है, नदी में पत्थर डाले हुए हैं उसमें से चलना पड़ रहा है। देखो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो परफुल नाना भी आ चुके हैं। और आज हमारी सेना का संघर्षमय नेतृत्व इसराम आबा के हाथ में है, तो ये वाली लकड़ियां हमें ले जानी है भंडारे के लिए। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया। बाद में ये बड़ी वाली लकड़ी निकाल कर गोलू बहू के साथ हम ले जाते हैं। पर गाइस हमसे भी ज्यादा लकड़ियां इन छोटे छोटे बच्चों ने लाई है, जो कुछ इतनी सारी है। बाद में हम सभी लोग ये वाली स्थिति ग्रहण करके बैठ जाते हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस यहाँ का काम तो हो चुका है फिलहाल, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये रास्ता है इधर से निकलने का। गोलू भाऊ दुकान से सामान लेते हैं और हम दुकान वाले का हरभरा खाते हैं। और इन बच्चों की तारीफ तो बताए उतनी कम है, मंदिर का साफ करके बाहर का एरिया भी साफ करने को बाहर आए हैं। देखो गाइस इतना बढ़िया यार। चलो अपने घर की तरफ। घर से नहाकर फिर से मंदिर में आ गया, और ये देखो कैसे मुंह छुपा रहा है। और भाई बचपन की लाइफ एकदम बढ़िया रहती है, देखो कितने मस्त लग रहे हैं ये। रात में सभी दोस्त आ जाते हैं रामेश्वर दादा के घर पे। गोलू बहू इकून मिर्चाची भाजी है आज, और ये गुटुबा मशीन लगाकर दूध निकालने में ताकत से जुटे हुए है।
अरे जब चलता है तेरे तेरे बोला थे दोर भरीन जाए कहीं ना कहीं हाथ मागे तो झारा का झारा लिहले तो पहिले अरे संकेत रे व्हिडिओ काढला आपल्या म्हणलं ऐकत तुमच्या तोंडावर घ्या खाना खा के कैसन लग रहा है एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया आपको कैसन लग रहा है एकदम उसको धागुन लग जाए नहीं क्या बोला तूने उसको धागुन लग जाए नहीं आपको मेरा बहुत पेट दुख रहा है तो टिकट भरी अंगार और आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा कितना अच्छा बहुत 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 अच्छा आपको कैसा लग रहा है मेरे को फीकी लग रही भाई फिर उसमें नमक डाल के खाने का ना नहीं उसके में मिर्च डाल के खाने का परचाड़ी वाला कौन समझ रहा है टिकट लगी है तो फाइनल गाइस अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है भोजन ग्रहण कर लिया है तो क्या नाचोगे तो यहाँ पे बर्तन घासना मतलब बर्तन धोना शुरू है और ये देखो पूरे काले हो गए भाई हाथ और ये काला हाथ होली के दिन सौरव को लगाने वाले हम और बाप रे ये देखो कितना अच्छा पैर हो गया और वाह क्या बात है सर थोड़ा पानी डाल दिया जाए घर तो हमने चूरा के लाए भाई ओ भाई आपको कैसा लगता है खाना खा के एकदम बढ़िया जरा जोर से बोलो भाई आपको क्या लगता है खाना खाके बहुत अच्छी भाजी थी आपको क्या लगता है वाह क्या टेस्ट था यार तो हमने सुना है पर्पल सेठ की शादी होने वाली है आपको कैसा लगता है पर्पल सेठ आपके मुंह में घी और शक्कर मेरी शादी होकर मुझे चंदन सेठ क्या आपकी भाजी में नमक कम था क्या आपकी भाजी में नमक कम था नहीं नहीं तो फाइनल गाइस यहाँ पे सभी का खाना मस्त हो चुका है भाई एकदम बढ़िया किया था यहाँ पे सबने एकदम बढ़िया रात हो गई है 9 बजने को आए है तो चलिए यहाँ का सब करके चलते हैं मंदिर की ओर तो गाइस हमारे कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है पर जैसा हुआ वैसा हमने लेने की कोशिश की है पूरी इतना मतलब इतना कुछ नहीं था इस व्लॉग में पर मतलब जो मेमोरी जुड़ती है वही जोड़ने की कोशिश शुरू है तो हाँ बस इतना ही था और ये शंतन दादा यहाँ पे साफ सफाई करते हुए सफाई परम क्या बोलते वो तोंड दाखवा ना से क्या आपकी भाजी में नमक कम था तो चंदन बाबा आपको क्या लगता है क्यों इतनी भीड़ थी यहाँ पे रामेश्वर दादा के घर पे आपको क्या लगता है आप बताइए जल्दी यहाँ पर मतलब जनमत बना के भाजी रखी थी जनमत का आदर करके यहाँ पे भाजी रखी थी मतलब सबकी मती से सबकी मती से गई
और आपका क्या कहना है? वाह, एक ही भाटिया एकदम बढ़िया हुई थी। बढ़िया हुई थी। और आपका क्या? ओ चीज का था काला। देखो कितने जोर से जा रहा, मतलब खा जा रहा है बंदा। खा जा रहा है तो क्या स्वाद का भाजी का इफेक्ट हो गया भाई। भाजी वाले मान सके थे ताले पूरे। उसकी भाजी सेट हो गई, उसका भाजी का इफेक्ट हो गया। अरे तू भी की भाजी खाई थी तूने? क्या दिखावा? वीडियो ले लो चाहे। और ये देखो ताजा हो ले। ताजा हो ले। यहाँ मंत्री जी के आदमी आए हैं, जल्दी आ जाओ। चकना आदित्य है, मंत्री जी के आदमियों को चाय पिलाया जा रहा है। क्या नाम? संकेत है? नहीं, काला काला है। यहाँ मंत्री जी के आदमी आए हैं, यहाँ मंत्री जी का आदमी, यहाँ मोबाइल। हाँ, एक दड़ा बना नहीं आता। नहीं तो यूट्यूब पर गई। ओके दड़ा। तो गाइस जाना भी। तो गाइस इसके लिए भी। तो गाइस भाई ने देखो हमारा मान रखने के बाद में कितने दिनों के बाद में चाय पिया है भाई। ये बंदा चाय नहीं पीता लेकिन हमारी बात का मान रख लिया है जिसने।